जीप के अंदर झुंझुनाहट होती है और जीप पूरी तरह से सुन होने लगती है। अगर आपको इस प्रकार की कोई समस्या लगती है कि जीप फटफड़ कर रही है, सुन आ गया है, झुंझुनाहट जैसा लग रहा है, तो आज की रेमेडी को आप जरूर अप्लाई करें। इससे आपकी जीप की झुंझुनाहट सही होगी और अगर सुनपन आ रहा होगा तो उसमें भी आराम मिलेगा। जैसे कि हम बात करते हैं रीजन की, रेमेडी की और रिमूव की, तो इन कारणों को बहुत ज्यादा जरूरी होता है जानना कि आपको किस कारण से संक्रमण हो रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति को जीभ के अंदर झंझनाहट लगती है और ये एक या दो बार होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस प्रकार का संक्रमण अगर बार बार लगता है तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी हो सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति के थ्रोट के अंदर किसी प्रकार का ट्यूमर बनने लगा है तो इस प्रकार का संक्रमण हो सकता है। जैसे कि आसपास गर्दन के यहाँ पर गठान जैसा लगता है, कुछ टाइट लगता है, तो उसकी वजह से जीभ पर कोई दिक्कत हो सकती है। अगर किसी को धूल मिट्टी से एलर्जी होती है या फिर कुछ ठंडा खा लेने की वजह से इस प्रकार का संक्रमण हो जाता है। कई बार अचानक से ठंडा आपने खाया तो आपकी जीभ में झंझनाहट होने लगती है, उसमें सुनपन आने लगता है, क्योंकि विटामिन 12 की कमी आ रही होती है, तो भी ये संक्रमण होता है। रेमेडी काफी ज्यादा इजी है अगर आपको जीभ के अंदर झंझनाहट लगती है। साथ में कुछ आपको ऐसे लक्षण दिखेंगे, जैसे झंझनाहट हो रही है तो आपको जैसे कि चक्कर जैसा लग सकता है, कभी कभी सिरदर्द महसूस हो सकता है, जीभ का स्वाद जो होता है, टेस्ट होता है, वो पूरी तरह से चला जाता है, या फिर आपको सुनपन एकदम से लग सकता है, तब भी कई बार खुजली जैसा लगता है और ऐसा लगता है कि निगलने में दिक्कत हो रही है। कोई सी भी चीज अगर कोई व्यक्ति खाता है तो ऐसा लगता है कि निगलना मुश्किल हो रहा है, तो इस प्रकार के कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं। पहला उपाय है कि आपको जीभ की पूरी तरह से सफाई करनी है। आपको एक ग्लास पानी रखना है, उसके अंदर आधा छोटा चम्मच बुलेटी का पाउडर डाल देना है और फिर पानी को अच्छे से बॉईल कर लेना है, थोड़ा ठंडा कर लेना है, और फिर उसमें आप कॉटन की सहायता से उस पानी में डीप करके रुई को अपनी जीभ को हल्के हाथ से साफ कर सकते हैं। अगर उस पर सफेद पदार्थ जम रहा होगा तो वह साफ हो जाएगी। किसी प्रकार की चिकनाहट हो रही होगी तो सही हो जाएगी। अगर बैक्टीरिया लगने लगे होंगे तो सही हो जाएंगे। थ्रोट इन्फेक्शन भी हो रहे होंगे तो वो सही हो जाएंगे। तो जीभ को इस तरह से इस पानी से आप बिल्कुल साफ कर सकते हैं। फिर दूसरा उपाय आपको क्या करना है, थोड़ा सा एलोवेरा का गूदा लेना है, ताजा एलोवेरा का, उसके अंदर चुटकी पर हल्दी डाल देनी है। एलोवेरा और हल्दी का आपको एक पेस्ट तैयार कर लेना है और फिर ईयरबड की सहायता से या फिर रुई की सहायता से ही अपनी जीभ पर उसका लेप कर देना है। इस लेप को थोड़ी देर के लिए रखना है, ज्यादा देर नहीं रखना है, मतलब हल्का सा उसको लेप करके रख देना है और वो वैसे ज्यादा देर टिकेगा नहीं, तो आपको थोड़ी सी देर रख देना है और फिर अपने पानी से कुल्ला कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जीभ के अंदर अगर सूजन आ रही होगी, कोई बैक्टीरिया का संक्रमण होगा, या फिर अगर आपको लगता है कि वहां पर सुनपन आ रहा है, दर्द हो रहा है, खुजली चल रही है, तो हल्दी क्या करती है, वो सारी चीजों को सही करती है। लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया है, एलोवेरा के साथ हल्दी को मिक्स किया है, तो वह जल्दी से उस चीज को रिकवर करेगा, क्योंकि एलोवेरा के अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारे बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाते हैं। तो बस जीभ पर आपको इसका लेप करना है और फिर आप थोड़ी देर रुक करके उसको कुल्ला कर लेना है। बस इस प्रकार से लेप करने से आपके सुनपन आ रहा होगा, खुश्की आ रही होगी, खुजली चल रही होगी या झंझनाहट लग रहा होगा, उससे आपको आराम मिलेगा। अब एक ये तो हो गए बाहरी उपाय, लेकिन अंदरूनी उपाय भी करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप बॉडी के अंदर कोई सी चीज भेजते हैं तो आपकी बॉडी को जल्दी से रिकवर करती है, सारी कमियों को दूर करती है। तो आपको क्या करना है, विटामिन B12 की कमी से इस प्रकार की समस्या आती है, कैल्शियम की कमी से इस प्रकार दिक्कत हो रही है, आयरन की वजह से दिक्कत हो रही है, तो सारी चीजों की भरपाई करते हैं अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज के अंदर जो भी आपको अच्छा लगता है, कि आपको मूंग अच्छा लगता है, चना अच्छा लगता है, मूंगफली अच्छी लगती है, सोयाबीन अच्छा लगता है, जो भी आपको अंकुरित अनाज अच्छा लगता है वह रात को आपको अंकुरित कर देना है और सुबह आपको उनको खा लेना है। तो अगर आप एक मुट्ठी भी अगर रोज अंकुरित अनाज खा लेंगे तो आपकी जितनी भी शरीर के अंदर कमी आ रही है वह दूर हो जाएगी और जो जीभ के अंदर झंझनाहट आ रही थी, सुनपन आ रहा था, वह सारी कमियों को सही कर देगा। तो बिल्कुल नेचुरल उपाय है, लेकिन करना पड़ता है। लगातार अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो आपको जल्दी आराम मिलता है और जीभ की झंझनाहट और सुनपन बिल्कुल सही हो जाता है। इसे बिल्कुल मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शरीर के अंदर अगर किसी प्रकार की कमी आती है तो ट्यूमर जैसी या और बहुत सारी गंभीर समस्याएं देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम कुछ उपायों को लगातार करते हैं, खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं, कुछ चीजों को परहेज करते हैं, तो हमारी सेहत काफी अच्छी रहती है। साथ में आप कुछ परहेज जरूर करें, जैसे कि आपको ठंडी चीजें, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट वाले आइटम बिल्कुल नहीं खाने हैं और अचार और इमली का प्रयोग भी नहीं करना है। छोटे मोटे परहेज को भी करना होगा, तो
तब जाकर रेमेडी काम करेगी। तो जीभ में झनझनाहट लग रही है, खुजली का संक्रमण हो रहा है या फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है सुनपन की, तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन पर मेरे काफी सारे वीडियो बने हुए हैं। जीभ की किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण होता है तो उस पर भी मेरे काफी सारे वीडियो बने, आप चाहे तो उनको भी एक बार जरूर देख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।